नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज फ्लैश फ्लड्स जो है अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखे गए। मैं बात करूंगा जम्मू संभाग की, तो यहाँ पे जो है उधमपुर रामबन इलाके में जिस प्रकार से भारी बारिश हुई है, जब मैं हिमाचल की बात करूँ तो पठानकोट के इलाके में जिस प्रकार से भारी बारिश हुई है वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स देखे गए। और इसी फ्लैश फ्लड्स के चलते जो है एक मुख्य रेलवे ब्रिज जो चक्की बैंक जो पठानकोट में है वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स के चलते एक मुख्य ब्रिज जो है 80 मीटर लंबा था वो बह गया। लगभग 9 डिकेड्स पुराना ये जो ब्रिज था वो पठानकोट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है उसके जोगिंदर नगर के इलाके को जोड़ता था, लेकिन फ्लैश फ्लड्स के चलते जो है उसके पिलर जो है वीक हो गए। उसके बाद जो उसकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें वो पुल बह गया। बहरहाल जो इस समय वहाँ की ट्रैफिक है रेलवे की वो सस्पेंड है, क्योंकि पुल के बह जाने से पठानकोट जोगिंदर नगर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ की जो अभी जो रेल सेवाएं हैं वो ठप हैं। बहरहाल ये एक बड़ी अपडेट थी जो पठानकोट इलाके से पंजाब से आ रही थी, और पठानकोट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में उसको जो ब्रिज जोड़ता था वो बह गया है। आप तक पहुंचानी थी। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे गिरिजम वर्चुअल के साथ। जय हिंद।